हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हो बहुत मजे में चल रही होगी पढ़ाई, बहुत मस्ती में, सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा होगा, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। अब जो टाइमिंग तुम्हारे पास है ना, उसमें नीट का पेपर हो, जेई का पेपर हो, बचे हुए टाइम में टाइम मैनेज करके, सब्जेक्ट के बीच टाइम मैनेज करके हम लोग पढ़ाई को और अच्छे कैसे करें, स्कोर को कैसे बूस्ट करें, एक स्कोर को अच्छे हाइक पे कैसे लेके जाएं, एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन की, जो मैं काम कर रहा हूँ ना, उस काम के थ्रू मैं बहुत अच्छी जगह पे जा सकता हूँ, मैं अच्छा कॉलेज डिजर्व करता हूँ, उन सब चीज़ों के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा फैक्टर बनेगा तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, कि बचे हुए समय को हम लोग कैसे मैनेज करके इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अभी के समय में। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मैंने एक टॉपिक तुम्हारे लिए चूज किया था, सब्जेक्ट के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सब्जेक्ट के बीच टाइम मैनेज करने के लिए अपना जो प्लान है हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से पेपर पे किस पेपर पे कैसे टाइमिंग दे, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू, एक सजेशन तुमको दूंगा ना कि आप सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दो, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें लगे रहते हो, फेवरेट सब्जेक्ट में मन भर टाइम देते हो, फेवरेट सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हो, जो अच्छा लगता है उस पर खूब समय देते हो, जो बुरा लगता है, जो इस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आता है, जिसमें समय कम मिलता है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आता है, उसको नहीं कर पाते हो, आप उसमें लगिए, स्कोर वहाँ से भी होगा। देखो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, एग्जाम का जो पेपर है ना, किसी सिंगल सब्जेक्ट से नहीं होता। हो सकता है कि आपने सिंगल सब्जेक्ट को बहुत अच्छा किया, नो डाउट, लेकिन जब एग्जाम में गए और सिंगल सब्जेक्ट का पेपर आपके पास टफ हो गया, तो जब सिंगल सब्जेक्ट का पेपर टफ हो गया, बाकी दो पेपर आपको आता ही नहीं था, तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर गिरेगा, आप उस स्कोर पे नहीं जाएंगे जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपकी परेशानी बढ़ेगी घटेगी नहीं। आप किसी एक पेपर को करके आप जाते हो, इस एक पेपर के पीछे पड़ के काम करते हो, एक मैक्सिमम स्कोर ही हो सकता है उससे, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब कि आपको तीनों सब्जेक्ट करना है। पहली बात कि एक चीज़ों को दिमाग से हटा दो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट करने से, एक पार्ट करने से मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा हो सकता है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक गलत है मनोभावना ही हटा दो। आप तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करो, तीनों सब्जेक्ट पे प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर रिविजन करो, प्रॉपर प्लान करोगे तभी आप आगे जा सकते हो। अब बात आती है कि सर हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या करें हम लोग प्लानिंग में, कैसे एग्जीक्यूट करें प्लानिंग को। तो सबसे पहले किसी प्लानिंग को करने के लिए, किसी प्रिपरेशन में तीनों पार्ट को करने के लिए क्विक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, और वो चेकलिस्ट तुम्हारे सामने ही है कि तुमको किसी चीज़ को करते समय क्या करना है। तो सबसे पहले एक रूल लिस्ट बनाओ कि हमको क्या करना ही है, कौन कौन सा चीज़ ऐसा है, कौन कौन सा पेपर ऐसा है कि जो हमको करना ही है, वो पेपर जो तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, उस पेपर में हमको कौन कौन सा चीज़ ऐसा होगा, कौन सा पेपर ऐसा होगा करना ही होगा, उस चीज को आपको आज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग आपको हम सजेस्ट करेंगे ना कि कौन ऐसा चीज है कि जो किया जा सकता है, लेकिन थर्ड पॉइंट है जो आप करना ही नहीं। ये मुद्दे की बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो आपको लाइफ में आपकी एग्जाम के आप जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको उस चीज का कोई सपोर्ट ही नहीं होता है, पता है सब चीज। इन सब चीज़ों को पहले माइंड सेटअप बनाओ कि ये सब चीज़ें क्या है, मेरे प्रिपरेशन में मस्ट डू वाला कंटेंट क्या है, क्या है कि हमको करना ही चाहिए, आज का डे मेरे लिए बेस्ट इफेक्टिव हो, आज का दिन मेरा हो, इसके लिए कुछ क्या करना चाहिए, क्या उसमें और किया जा सकता है, यदि मस्ट डू वाला काम होता है उसके बाद, और क्या नहीं ही करना चाहिए। तो देखो एक चीज़ सजेस्ट करेंगे बाबू कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, पापा आप इसके बारे में जानते हो, सत्य टेक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टीवी पे समय बिताना, टीवी देना, ज़्यादा सोना, ये सब चीज़ मिनिमाइज करो, रिड्यूस करो, तभी आपका रिजल्ट होगा, एक बहुत अच्छे स्कोर तक तभी पहुंचोगे ना जब इन सब चीज़ों को एकदम अवॉइड करोगे, अवॉइड दिस थिंग, इसको इसके बिना आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो आपके पास वो चीज़ दिखना चाहिए आपके काम करते समय कि मेरे पास वो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हमको करना ही नहीं, जिसके पीछे जाना ही नहीं। हाँ आपके लिए क्या करना है, आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
सब्जेक्ट में कितना पार्ट करना था, कितना क्वेश्चंस लगाने थे, टॉपिक कैसे करने थे, कैसे नहीं करने थे, ये सभी प्लानिंग करना है। ये तुम्हारा मस्ट टू का सेंटेंस होगा, मस्ट टू का काम होगा। और मस्ट टू को करते समय एक बात ध्यान रखना है ना कि आपके पास आपका जो टीचिंग नोट होता है ना, आपका जो क्लासरूम नोट होता है ना, आपके लिए गोल्डन माइन होता है। ध्यान से, वही आपके लिए गोल्डन चीज है, गोल्ड माइन वही है। तो गोल्ड माइन तो है वो, मेरा टीचिंग नोट, मेरा आपके बनाया हुआ नोट, उसके थ्रू आपने शॉर्ट नोट बनाया। लेकिन एक चीज और इंडिकेट करेंगे कि जब आपके पास ये दिमाग में बातें चल रही होगी, तो आपके साथ कोचिंग का जो पैकेज है आपके पास, और कोचिंग के पैकेज के साथ साथ आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है, इस तीनों चीज को एक साथ लीजिए। और इस तीनों चीज को एक साथ लेने के बाद एनसीईआरटी बुक और आपके आपके पैकेज से, आपके मटेरियल से जो पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ और निकलता है, उसको आप टीचिंग नोट में ऐड कीजिए। एक दो पेज ऐसा करना पड़ता है, और उसको करने के बाद आप उस नोट को पढ़ेंगे ना, कहीं से भी बाहर से आपके सारे कंसेप्ट के बेसिस पे होंगे। देखिए बात क्या होती है ना कि टीचर किसी नोट को जब पढ़ाते हैं, तो टीचर की जो एफिशिएंसी समझाने का होता है, टीचर का जो वे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है आप क्लास में पढ़ते समय समझे सीखे, लेकिन जब आप रीडिंग हैबिट को डालेंगे ना, और रीडिंग हैबिट को डालने के बाद इन सब चीज़ों को एक साथ गैदर करेंगे ना, एनसीईआरटी बुक्स के कंसेप्ट, आपके पैकेज के कंसेप्ट को, आपके नोट के कंसेप्ट को, और उसके बाद आप उस नोट को प्रिपेयर होकर पढ़ेंगे ना, आपके पास क्वेश्चन छूटने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने होगा। और एक चीज़ देखिए, आप किसी पेपर को दे रहे हैं, पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों के कंबाइन एफर्ट से सारा काम कर रहे हैं, नोट, एनसीईआरटी बुक, पैकेज, PYQ बेस की कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके लिए क्या लॉजिकली चीज था, कैसे कैसे काम करना था, तब क्या होगा ना आपके पास, आप रिव्यू कीजिए उन सब चीज़ों को। जैसे इन सब चीज़ों को रिव्यू करेंगे ना, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि रीडिंग हैबिट, रीडिंग स्किल, केमिस्ट्री का पेपर हो, केमिस्ट्री में मेजर सेक्शन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पेपर होता है, जहाँ पे क्वेश्चन रीडिंग स्किल से ही सही होते हैं, फिजिकल न्यूमेरिकल बेस पेपर होता है, आपको ये सब चीज़ पता है पहले से, बायो का सेक्शन है, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। एक रीडिंग स्किल सही करोगे ना, और उसको रीडिंग स्किल के बाद उसको रिव्यू करना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने स्ट्रेटजी, अपने प्लानिंग में जो आप काम कर रहे हो, मस्ट डू वाला जो सेक्शन है, कैन डू वाला जो सेक्शन है, हम मस्ट डू वाला सारा काम कर लिए, मस्ट डू जितना प्लानिंग किए थे वो काम करने के बाद मेरे पास समय मिला है, तो कैन डू वाला जाओ ना आप, प्लानिंग करो ना कि आज का जी मेरे पास 1.5 घंटे समय भी बचा हुआ है, 1 घंटे समय बचा हुआ है, जो भी पढ़ने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप समय सोचो ना कि उस समय कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग काम करके देखो ना क्या हो रहा है, कौन सा पेपर है, कैसे कैसे करें। नेवर मेक टाइम टेबल, मेकिंग स्लॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने, कि आप टाइम टेबल एग्जैक्ट बनाए, स्लॉट बना के खत्म कीजिए, स्लॉट तीनों पेपर का बनाइए, और स्लॉट तीनों पेपर का बना के उस स्लॉट में जाके देखिए, उस स्लॉट में केमिस्ट्री का 4 घंटे का स्लॉट था, आपने जितना प्लानिंग किया था उतना मानो कि तुम्हारे पास 3 घंटे में खत्म हो रहा है, 3.5 घंटे में खत्म हो रहा है, हाफ आवर टाइम बच रहा है। रिव्यू कीजिए सब चीज़ों को, नोट को रिव्यू करने के बाद समय दीजिए, कैन, उसके बाद आप कैन डू में आइए, और मस्ट डू कैन डू करने के बाद बार बार सजेस्ट करूंगा ना कि डोंट डू के लिए मैंने शुरू में ही बात बोला था, इस पर एकदम अवॉइड कर दो। ये अवॉइड कर दोगे ना, और उसके बाद तुम 15 दिन से 20 दिन एक काम करके देखो ना, एक डोंट डू वाला चीज़ों को जैसे ही आप अवॉइड करोगे ना, आप फील कर जाओगे, आप देखोगे इन सब चीज़ों को, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर वो एबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी ना, वो काम करने की इफिशियंसी आनी शुरू हो जाएगी ना, कि आप अलग जगह अपने आप को फील करोगे दूसरे बच्चों से। सेकेंड थिंग, हम तुझको एक चीज़ सजेस्ट करेंगे ना कि सारा काम जब आप करते जाओगे ना, सारा काम करते जाओगे, एक चीज़ ध्यान रखना कि अपने डे का जो भी जिस दिन ये सब काम कर रहे हो ना, उस दिन का जब सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करते हो, वो प्रोडक्टिव टाइम, आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को मस्ट टू में लगाओ, प्रोडक्टिव टाइम से मस्ट टू कैन टू वाला काम निकालो, प्रोडक्टिव टाइम का वेस्टेज आप डोंट डू वाले में करोगे, चैटिंग करने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम में, FB पे, सोशल साइट पे, इस सब में जब टाइम वेस्ट करोगे अब बर्बाद हो गए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ का, आज इतना आसान नहीं होता सिलेक्शन लेना। तो माइंड सेटअप आपके पास होता है कि हमको IIT जाना है, मेडिकल करना है, कॉलेज अच्छे मिल जाए, मेरे सिलेक्शन अच्छे आ जाए, लेकिन आपके पास ये पता होना चाहिए ना कि इस काम को करने के लिए मुझको क्या नहीं करना है, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना आपके लिए। तो अपने दिन का सबसे जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, उस प्रोडक्टिव टाइम को मस्ट डू में लगाइए, कैन डू में लगाइए,
मजा आएगा, पेपर आएगा, स्कोर आएगा, रिव्यू होगा, स्कोर इनहेंस करेगा, आपका अलग ही तरह की फीलिंग बढ़ेगी। सेकेंड थिंग हम बोलेंगे ना कि जब आपके पास पता चल जाए ना कि मेरा डिस्ट्रक्शन कहाँ है, प्लीज मैं बार बार इन चीजों को बोल रहा हूँ ना कि डिस्ट्रक्शन एक पार्ट बन गया आज के लाइफ, आजकल के बच्चों का लाइफ का, प्लीज आपकी जब लाइफ का एक पार्ट बन गया है ना, प्लीज इसको इग्नोर कीजिए ना, आइडेंटिफाई कीजिए ना। आप इतने समझदार बच्चे हो ना, आप 11 12 के स्टूडेंट हो, आप 11 12 पास आउट हो, और जब 11 12 पास आउट हो ना, तो आप इसको जब वॉच करोगे, इस सब चीजों को देखोगे ना, आपको पता है कि आपका डिस्ट्रक्शन क्या है। आपका सिलेक्शन में जिस चीज का कोई रोल नहीं है, सोशल गैदरिंग भी हो सकती है, फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके सिलेक्शन में जिस चीज का कोई रोल ही नहीं है बाबू, वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन है। और जो आपके लिए डिस्ट्रक्शन है ना, प्लीज उसको सेव कीजिए ना। यदि उस टाइम को आपने सेव कर लिया ना, उस टाइम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, और उसको सेव करके आपने क्या किया ना कि मस्ट टू कैन डू में लगा दिया ना, अब मस्ट टू कैन डू में लगा दिया ना, उसके बाद आपको फंसने का, आपको रिजल्ट के प्रति जो दिमाग में बातें चलती रही कि मेरा सिलेक्शन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं होगा। आपके पास ऑटोमेटिक आपका स्कोर ही बताने लगेगा कि आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और सिलेक्शन की तरफ जाते समय हमेशा एक चीज़ों को ध्यान दीजिए कि सिलेक्शन की तरफ जब भी मूव करो, तो मस्ट टू कैन डू में आप तीनों पेपर को पढ़िए। एक पेपर पर डे पढ़ना ही नहीं, मैं स्टार्टिंग में ही बात बोला था कि तीनों पेपर को पर डे पढ़ो। तीनों पेपर पढ़ने के लिए टाइम स्लॉट बनाओ, टाइम टेबल नहीं बनाइए, गोल सेट कीजिए आज का, एक मिनिमम टाइमिंग सेट कीजिए उस सब्जेक्ट के लिए, एक मिनिमम टाइम मिनिमम गोल की सेट कीजिए और टाइम स्लॉट बनाइए। मॉर्निंग के टाइम में रीडिंग हैबिट डालिए, रीडिंग हैबिट डालने के बाद उसको रिव्यू कीजिए, टेस्ट पेपर को एनालिसिस करके गलत होने वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट को दोबारा आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ऑटोमेटिक आपका स्कोर इन्हेंस करेगा, आप अच्छे जगह पे सस्टेन करेंगे उसके बाद जाएंगे तो। क्योंकि एक चीज से नहीं होता, ऐसा होता ना कि कभी कभी एक पेपर में स्कोर आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, दूसरा पेपर थम कर रहा है, इसके लिए इसका मतलब नहीं कि पेपर पर आपका ध्यान ज़्यादा है, दूसरे पेपर पर आप समय कम दे रहे हैं। तीन सब चीज़ों से बचिए ना आप, समय दीजिए, समय मूल्यवान है, समय दोबारा निकल जाएगा। एक समय पर आज लाइफ में जब जाओगे तो बहुत ही पछताओगे ना, मैंने अपना लाइफ का वो समय बर्बाद कर दिया ना जो नहीं करना चाहिए। डोंट डू वाले के लिए लास्ट में लाइफ में बहुत समय आएगा, इसको अभी कीजिए ना, अभी इससे बड़ी उसको उस समय कीजिएगा ना, अभी इससे तो बचो। और लास्ट पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा आपको ना कि जब आप प्रोडक्टिव टाइम और डिस्ट्रक्शन के चलते जो आपका टाइम बर्बाद होता है, इस चीज को आपने यदि आइडेंटिफाई कर लिया और डिस्ट्रक्शन वाले टाइम को सेव करके आपने मस्ट वाले टाइम में कन्वर्ट कर दिया, उसको आपने प्रोडक्टिव बना लिया, कौन बोलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कौन आपके सिलेक्शन से रोक सकता है। और लास्ट में एक बात बोलूंगा, गोल्डन की होगा आपके लाइफ के लिए, बाबू टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। जहां जहां आप खुद समझदार बच्चे हो, आप समझते हो ये सब चीजों को कि मेरा टाइम कहाँ बर्बाद होता है, और जहां जहां आप समय बर्बाद करते हो ना, समय बर्बाद करने का मतलब वो होता है ना, इसको अदरवाइज दूसरे सेंस में नहीं लेना है, समय बर्बाद करने का मतलब वो समय बर्बाद करना जो मेरे रिजल्ट में, किसी भी चीज में रिजल्ट में उसका 0%, 2%, 1% किसी भी चीज का कंट्रीब्यूशन नहीं है उन सब चीजों करने। हम हाँ गेम खेलना, थोड़ा अपने फिटनेस पे ध्यान देना, फिजिकल एक्टिविटी करना, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए काम करना, वो इफिशियंट चीज है आपके लिए। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जिसका कोई रोल ही नहीं होता। अब लास्टली ये पॉइंट सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लाइफ में जहां जहां टाइम की बर्बादी कर रहे हो, सेव करो ना टाइम मैनेज ऑटोमेटिक, सवाल के अंदर ही जवाब। तो चलिए इन सब चीजों को आप एक बार रिमाइंड कीजिए, समझिए, सोचिए, इसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करके बढ़िए। तीनों सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, होप आपका रिजल्ट अच्छा होगा, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो जेई का पेपर। ऑल द बेस्ट।